पहले फाइनल ईयर में लेक्चर ज्यादा होते थे तो हाइप और हाइपर में लहदा लहदा लेक्चर्स में पढ़ाती थी, लेकिन क्योंकि अभी लेक्चर्स कम है तो आज मैं दोनों एक ही टॉपिक पे कवर करूंगी। आप लोगों ने अभी तक थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं, और अब हम आते हैं इसकी बेसिकली मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस है एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम लोग थायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन और हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे अभी भी फाइनल प्रूफ हुआ है ऑस्पिकिस्टेशन पे रिटन के अंदर, हमेशा पहले दिन हाइपो का नहीं तो हाइपर का सवाल आ जाएगा, दूसरे दिन हाइपो का आ जाएगा, एक दिन थायराइडाइटिस आ जाएगा। तो एक स्टेशन पक्का होता है कि इसी एक टॉपिक पे आना है, तो बेटर कि हम इस चीज को फोकस करके सुने। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड इट रिलीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन व्हिच इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द थायरोट्रॉफ सेल्स। दिस टीआरएस इफेक्ट ऑन थायरोट्रॉफ्स एंड दे रिलीज टीएसएस एंड दैट इफेक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ नेक। एंड देन दिस टीएसएस व्हेन इट एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड देयर इज रिलीज ऑफ हार्मोन टी4 एंड टी3 व्हिच कॉज अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। टी4 कॉज सप्रेशन ऑफ दिस टीएसएस एंड एज वेल एज दिस टीआरएस। सो जब हमारा इस लेवल पे ये ग्लैंड कम या ज्यादा काम करता है, अगर ये ग्लैंड हमारे पास खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा, ये टीएसएस बढ़ता जाएगा क्योंकि ग्लैंड से बाहर उसकी जो प्रोडक्शन है थायरोक्सिन की टी4 वो नहीं हो रही, तो ये पीछे से पिट्यूटरी ग्लैंड अपना जोर लगाता जाएगा, टीएसएस बढ़ता जाएगा। मैं बात कर रही हूँ जब ग्लैंड खराब हो जाए, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि बहुत कॉमन डिजीज है उसके अंदर जब ये ग्लैंड खराब हो जाता है तो ये यहाँ से टी4 प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इस वजह से इसकी इनहिबिशन नहीं होती, नेगेटिव इनहिबिशन नहीं होती, टीएसएच बढ़ना शुरू हो जाता है। सो इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म टीएसएच रेस्ट हो जाता है और टी4 कम हो जाता है, और अगर प्रॉब्लम इन दो लेवल्स पे आ रही है हाइपोथैलेमस या इस लेवल पे जो कि रेयर चीज है जिसमें हमारे पास ऊपर से टीआरएच और या यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच नहीं बन रहा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके अंदर टी4 भी नहीं बन रहा होता लेकिन टीएसएच भी नहीं बन रहा होता क्योंकि प्रॉब्लम इस लेवल पे आ रही है। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमने बात की कि टी4 हमारा लो और टीएसएच हाई होता है, जबकि सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्योंकि यहाँ से टीएसएच बन के नहीं आ रहा तो टी4 लो होने के साथ साथ टीएसएच भी लो होता है। ठीक है, ये हमने बात की हाइपोथायरॉयडिज्म की। अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर प्रॉब्लम ग्लैंड के लेवल पे होती है, ग्लैंड के अंदर ऑटोनमस हो जाता है, ग्लैंड ग्लैंड के अंदर समटाइम एक नोड्यूल बन जाती है या ओवरऑल ग्लैंड के अंदर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि ग्लैंड को आके स्टिमुलेट करती जाती हैं। तो लोकल लेवल पे यहाँ पर ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और वो तेज तेज टी4 एंड टी3 प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से नेगेटिव इनहिबिशन होती है, टीएसएच लो ही रहता है और ये टी4 और टी3 बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले मैं हाइपोथायरॉयडिज्म डिस्कस करूंगी, देन आई विल डिस्कस अबाउट दी हाइपरथायरॉयडिज्म। द प्रेवलेंस ऑफ ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2%। यहाँ पे ओवर्ट दो टर्म्स यूज होंगी, एक टर्म होगी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हमारे पास टीएसएच भर जाता है और टी4 लो हो जाता है, जो हमारे पास सब क्लिनिकल है उसके अंदर हमारे पास टीएसएच भर जाता है लेकिन टी4 नॉर्मल रहता है। ये एक ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म से पहले की स्टेज है जिसके अंदर टीएसएच में तो प्रॉब्लम आने लग गई है लेकिन अभी टी4 के अंदर प्रॉब्लम नहीं आना शुरू हुई, जबकि ओवर्ट का मतलब है कि प्रॉब्लम अब सारी इन्वॉल्व हो गई है, टीएसएच भी भर गया है और टी4 भी लो हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज 5 to 8 times मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। द प्रेवलेंस ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म इज हायर रेंजिंग फ्रॉम 4 to 10% ऑफ एन एडल्ट विद पॉसिबली अ हायर फ्रीक्वेंसी इन ओल्डर वुमेन। So, what are the clinical manifestation? You will all already familiar with all these things.
जनरलाइज्ड बॉडी हमारा बेसिकली हार्मोन है मेटाबॉलिक हार्मोन, ये मेटाबॉलिज्म करता है बॉडी का। तो इसमें जब ये हार्मोन कम होता है तो बॉडी के हर प्रोसेस की स्लोइंग हो जाती है। सो जनरलाइज स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हिच कैन लीड टू एबनॉर्मलिटीज सच एज फटीग, स्लो मूवमेंट, स्लो स्पीच, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ डीप प्लैंटर रिफ्लेक्सेस एंड ब्रेडिकार्डिया। तो ये जिस्म के अंदर जो भी सारे प्रोसेसेस है वो स्लो हुए हुए हैं और ये उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड अनदर प्रॉब्लम इज एक्यूमुलेशन ऑफ मैट्रिक्स ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेन्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ मेनी टिश्यूज। दिस कैन लीड टू कोर्स हेयर एंड स्किन, पफी फेसेस, एनलार्जमेंट ऑफ द टंग एंड होर्सनेस। दिस चेंजेस आर ऑफन मोर इजिली रिकग्नाइज इन यंग पेशेंट्स एंड देन दे मे बी एट्रीब्यूटेड टू एजिंग इन ओल्डर पेशेंट्स। कि ओल्डर पेशेंट्स में ऑलरेडी स्किन रफ हो रही होती है तो उतना अच्छा पता नहीं चलता जितना यंग पेशेंट्स के अंदर पता चलता है। जनरल अपीयरेंस ऑफ ए हाइपोथायराइड पेशेंट, द स्किन इज कूल एंड पेल, स्वेटिंग इज डिक्रीज, पेरीऑर्बिटल एडिमा अराउंड द आई, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ येलोइश चेंज बिकॉज ऑफ केरोटिनीमिया एंड हेयर मे बी कोर्स एंड हेयर लॉस इज कॉमन एंड द नेल बिकम ब्रिटल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दे कैन लीड टू पेरिकार्डियल इफिलियन, दे कैन लीड टू ब्रेडिकार्डिया एंड देयर इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन एंड समटाइम हार्ट फेलियर कैन बी प्रेसिपिटेटेड। इन जी आई जैसे कि भी हमने बात की कि सारी चीजें स्लो हो जाती है तो गट मोटिलिटी भी स्लो हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ बिग मेजर फीचर ऑफ हाइपोथायरायडिज्म एंड देयर इज एसोसिएशन ऑफ हाइपोथायरायड विद द अदर डिजीजेस लाइक सीलिएक डिजीज एंड पर्निशियस एनीमिया। रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद मेनोरेचिया और ओलिगो और एमिनोरिया, दोनों चीजों के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं फीमेल पेशेंट्स। और इसके अलावा देयर इज डिक्रीज फर्टिलिटी एंड इंक्रीज लाइकलीहुड फॉर अर्ली अबॉर्शंस। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन जो एक ब्रेन का एक और हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, सम टाइम वो एसोसिएटेड होता है विद हाइपोथायरॉयडिज्म। मिक्सेडेमा कोमा, अ रेयर थिंग बट इट कैन अकर इन सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि पेशेंट मेडिसिन लेना छोड़ दे एंड प्रेसिपिटेशन हो जाए किसी और चीज के साथ, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कोल्ड एक्सपोजर, तो पेशेंट कैन गो इनटू मिक्सेडेमा कोमा एंड दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। डायग्नोसिस शुड बी सस्पेक्टेड इन कोमाटोस पेशेंट हु आर हाइपोथर्मिक, हाइपरकैपनिक एंड हाइपोनेट्रेमिक। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद वीकनेस, क्रैम्प्स, आर्थ्रैल्जियास, मायल्जियास, जॉइंट पेन्स, एक्स एंड स्टिफनेस। And there is increased prevalence of hyperuricemia and gout secondary to decreased renal plasma flow. Okay, अभी जो हमने discuss किया, the picture is showing again the same. Madarosis, loss of outer eyebrow hairs, enlarged thyroid gland, goiter, slow heartbeat in the heart, poor appetite, infertility or heavy menstruation, oligorrhea, carpal tunnel syndrome, क्योंकि हमारे पास thirteen हो जाती है, thickening हो जाती है. Weight gain, poor memory, intolerance to cold, feeling of tiredness, thinning of hair, hair loss, puffy face, dry and coarse skin, constipation, cool extremities and swelling of the limbs. So these are again symptoms which just we discussed. So agar patient in symptoms ke saath aapke paas present kare, to aapne kya karna hai? Workup. Workup mein the most important thing is TSH. TSH अभी हमने बात की, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म वेरी रेयर, TSH प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भर जाते हैं, सो स्क्रीनिंग टेस्ट इज TSH। ये अगर बढ़ा हुआ होता है तो हम लोग रिपीट कर लेते हैं TSH एंड फ्री T4, जिसमें हमारे पास TSH बढ़ा हुआ और फ्री T4 लो आए तो दिस इज ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी थायरॉयडिज्म अगेन रिपीटेशन, हाई सीरम TSH एंड लो T4 इन सब क्लिनिकल, हाई सीरम TSH एंड normal T4 in central, there is low serum T4 and along with the low serum TSH. Lekin central hypothyroidism is very rare thing. Usually patients ke andar pituitary gland ke aur problems already pade hote hain aur uske saath iske association hai ki uska koi brain mein previously koi craniopharyngioma, koi tumor tha jiski brain ki ya pituitary gland ki koi surgery hui hui hai, un patients mein ye hum log consider karte hain. The commonest one is primary hypothyroidism with raised TSH. So what is the treatment goals?
एक तो हमने इसके पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाए, उसका TSH नॉर्मल रेंज में आ जाए। TSH की रेंजेस वेरी करती हैं लैब की किट्स के मुताबिक, बट अब्रॉड रेंज इज यूजली इट गोज विद 0.5 to 5, एंड इन सम लैब इट गोज विद 0.4 to 4। सो द TSH शुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज। सो हम लोगों ने देना क्या होता है, दवाई क्या देते हैं इसके लिए, हम लोग इसके लिए दवाई देते हैं जी थायरॉक्सिन। दिस इज द सिंथेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि बॉडी में प्रोड्यूस कम हो रहा है तो हमें बाहर से देना पड़ रहा है। दिस इज नॉट अ मेडिसिन, दिस इज द सेम हार्मोन जो हम बाहर से दे रहे होते हैं। सो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं थायरॉक्सिन को, एंड यूजली जो हमारे पास एवरेज फुल रिप्लेसमेंट डोज वी गो विद 1.6 MCG पर KG बॉडी वेट पर डे, जो कि 70 kg एडल्ट के अंदर ये तकरीबन 112 MCG पर डे आती है। एक कॉमन जो मार्केट में थायरॉक्सिन की टैबलेट अवेलेबल होती है वो 50 MCG की होती है, और पेशेंट को हम अकॉर्डिंगली वंस अ डे डोजिंग के साथ दे देते हैं। ओल्डर पेशेंट या पेशेंट जिनमें हार्ट डिजीजेस हैं उनमें हम लोग हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूजुअली 25 MCG पर डे, और फिर इसको इंक्रीज कर लेते हैं। टाइमिंग ऑफ डोज थायरॉक्सिन इसके एब्जॉर्प्शन की इम्पेयरमेंट हो जाती है विद डिफरेंट मल्टी वाइटामिन एंड फूड, सो वी प्रेफर टू टेक इट ऑन एम्प्टी स्टमक विद वाटर विद 30 to 60 minutes बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट नो मल्टी वाइटामिन एंड आयरन शुड बी इंजेस्टेड। इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग सम मल्टी वाइटामिन और आयरन, देन शिफ्ट इट टू आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर टाइम, बट थायरॉक्सिन शुड बी अर्ली मॉर्निंग। जब TSH का स्टेडी स्टेट लेवल होता है उसके 6 half-lives के बाद, आपने एक पेशेंट को उसको हाइपोथायराइड के सिम्टम्स थी, आपने उसका टेस्ट करवाया, आपका डायग्नोसिस बन गया, आपने उसको थायरॉक्सिन स्टार्ट करवा दी, अब उसको रीचेक कब करना है कि TSH ठीक हुआ है कि नहीं, 6 weeks के बाद। ओके, 6 weeks के बाद हमने देखना है हमारा TSH जो हमने अभी नॉर्मल रेंज कही कि 0.5 to 5 है उसके अंदर वो आ गया है, तो हमने 6 weeks के बाद उसको री एवेल्युएट करना है और डोज को री एडजस्ट करना है। Takes approximately 6 weeks before a steady state is attained after the therapy is initiated or the dose is changed. Increased dose requirement is really in the pregnancy, weight gain of more than 10% of body weight, diminished thyroid hormone absorption, and increased thyroid hormone excretion, like in some nephrotic syndromes. So that's all from hypothyroid side. I think I'm clear. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि मैंने इसमें कॉजेज में डिस्कस नहीं किया, दैट इज थायरॉयडाइटिस, एंड दैट इज द 90% ऑफ द टाइम दैट इज द कॉज, एंड वी डोंट वर्क अप फॉर द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, वी जस्ट स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ दैट। हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, द मोस्ट ऑफ द टाइम वंस हाइपोथायरॉयडिज्म इज देयर द कॉज इज ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस मोर देन 90% ऑफ द टाइम, and the treatment is lifelong. Now coming to the hyperthyroidism, this is opposite of hypothyroidism. Isme humne jo shuru mein baat ki thi ki hamara jo gland hai thyroid gland that is overactive apne level pe, hypothalamus se pituitary ke sath iska koi lena dena nahi, apne level pe ye autonomous ho jata hai, autonomous hone ki wajah sometime तो ग्लैंड के अंदर एक ऑटोनोमस नोड्यूल बन जाता है जो कि खुद से तेज तेज फंक्शन करना शुरू कर देता है, और दूसरा इसमें हमारे पास जो ग्रेव्स डिजीज के अंदर बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके उनके जो TSH के रिसेप्टर्स होती हैं उनको अटैच करती हैं और उनको जाके स्टिमुलेट करती हैं, सो ग्लैंड स्टार्ट्स फंक्शनिंग और प्रोडक्शन ऑफ T4 एंड T3 इंक्रीज हो जाती है। T4 एंड T3 अपना काम करते हैं, वो जाके थायराइड ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, TSH सप्रेस रहता है, लेकिन T4 और T3 बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि अभी बात हुई कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म था सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका ऑपोजिट होता है, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तेज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ी सी सिम्टम्स और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, एटियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। Hyperthyroidism is a set of disorders that involve excess synthesis and secretion of thyroid hormone by the thyroid gland, which leads to the hypermetabolic condition of thyrotoxicosis. The most common forms of hyperthyroidism include diffuse toxic goiter, that is Graves' disease, toxic multinodular goiter, and toxic adenoma. Two terms bahut commonly used hoti hai, one is thyrotoxicosis and other one is hyperthyroidism.
थायराटोक्सिकोसिस बेसिकली रेफर्स टू अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ हाइपर मेटाबॉलिज्म एंड हाइपर एक्टिविटी विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव थायराइड हार्मोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एटियोलॉजी. एंड हाइपर थायराइडिज्म इट डिनोट्स सस्टेन्ड इंक्रीजेस थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन बाय द थायराइड ग्लैंड. बेसिकली हाइपर थायराइडिज्म के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है वो थायरोटॉक्सिकोसिस है. बट थायरोटॉक्सिकोसिस थायराइड ग्लैंड के अलावा और भी कॉजेज में हो सकती है जब हमारे पास थायराइड टिश्यू किसी और जगह पे पड़ा हो और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कर रहा हो. कॉजेज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म, लेकिन हमारे पास जो कॉमनेस्ट वन है ग्रेव्स डिजीज है, प्लमर डिजीज है, दैट इज टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर. ग्रेव्स डिजीज के अंदर नोड्यूलैरिटी नहीं होती ग्लैंड के अंदर, दिस इज द डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर. आप जब पेशेंट के थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट भी करते हैं तो ये डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर होता है, जबकि प्लमर डिजीज के अंदर ये टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है. इसके अलावा हमारे पास आ जाता है टॉक्सिक सिंगल एडिनोमा. एंड बाकी कॉजेज रेयर है, ये मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. साइंस एंड सिम्टम्स जो भी हमने बात की, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, इंक्रीज परस्पिरेशन, हीट इंटॉलरेंस, हाइपर एक्टिविटी, पैल्पिटेशन. पेशेंट आपके सामने क्लिनिक में अगर फुल ब्लोन हाइपर थायराइडिज्म है तो वो हिल ही रहा होता है, उसको ट्रेमर्स भी आ रहे होते हैं, बॉडी शेकी हो रही होती है, उसका एंग्जाइटी उसकी नजर आ रही होती है. So common signs of thyrotoxicosis include the tachycardia or arrhythmia, systolic hypertension with white pulse pressure, warm, moist, smooth skin. जैसे हमने उसमें कहा था hypothyroidism में cold, dry and brittle skin. इसमें हमारे पास क्योंकि sympathetic system की overactivity बढ़ जाती है, staring look आ रही होती है. हमारे पास eye के muscles, especially upper lid के muscles, वो बहुत active हुए होते हैं, तो हमारे पास eyes बहुत widely open होती है और वो जो स्केरी फेस होता है ना स्टेयर लुक के साथ, लिड लैग और स्टेयर वो आ रहा होता है. हैंड ट्रेमर्स, मसल वीकनेस, वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट. ठीक है, भूख तो भर जाती है बट वेट लॉस हो रहा होता है. डायरिया हो सकता है एंड रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल फ्लो और ऑलिगोमेनोरिया. कमिंग टू ग्रेव्स डिजीज, इट इज सिंड्रोम विच कंसिस्ट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि हर थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर होता है. गॉइटर होता है जो कि डिफ्यूज होता है. जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ग्रेव्स डिजीज का हिस्सा है, वन इज आई डिजीज और ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी एंड अदर इज जर्मोपैथी. प्री टिबियल और लोकलाइज्ड मिक्सेडीमा, इट रिप्रेजेंट 60-90% ऑफ ऑल द कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. यूजुअली ऑनसेट इज बिटवीन 2nd to 4th डेकेड एंड फीमेल टू मेल रेशियो इज 7:8 and 1. So again, hyperthyroidism is more common in females. Hypothyroid भी हमने कहा था females पे common है और hyper भी. ये diffuse goiter है और ये हमारे पास multinodular goiter. इसमें nodularity आपको goiter की surface पे नजर आ रही है और this is the diffuse goiter. Diffuse goiter की हमने बात की. Hyperthyroid diffuse goiter is part of Graves' disease. ये हमारे पास dermopathy एंड एक्रोपैथी. डर्मोपैथी का पार्ट है ये. हमारे पास नेल्स जो है वो उनकी क्लबिंग हो जाती है एंड यहाँ पर डिस्टली बोन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इसको कहते हैं थायराइड एक्रोपैथी एंड दिस इज द डर्मोपैथी. दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी कि हमारे पास स्टेरिंग लुक आ रही है. नॉर्मली हमारे पास अपर लिड जो होती है वो कॉर्निया का अपर 2 mm कवर करती है और लोअर लिड इट जस्ट टच दिस. तब आप देखें कि ऊपर और नीचे से हमारे पास स्क्लेरा नजर आ रही है. इट मीन्स के आईज आर वाइड ओपन. दिस इज एग्स ऑफ थैलमोस. इसको हम मैयर करते हैं, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं बिकॉज दिस इज अ डेंजरस कंडीशन जिसमें हमारे पास इसकी ग्रेडिंग होती है, इसकी स्कोरिंग होती है. इसमें हमने आई को पूरी, पेशेंट जब सोता है उसकी आई पूरी बंद नहीं हो रही होती, तो इसको हमने यूजली स्टीरॉयड्स के साथ और एंटी हाइपरथायराइड ड्रग तो हम लोग देते हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट्स इनमें डिजीज मॉडरेट टू सीवियर हो जाती है, हमें स्टीरॉयड्स भी देने पड़ते हैं. सो अगेन हमने एक टर्म उधर याद की थी था हाइपोथायरॉयडिज्म में अवर्ट एंड सब क्लिनिकल. अवर्ट हाइपरथायरॉयडिज्म वो होगा जिसमें TSH सप्रेस्ड हो जाएगा और फ्री T4 और T3 रेज हो जाएंगे. सब क्लिनिकल के अंदर हमारे पास TSH तो सप्रेस्ड हो गया, लो हो गया, लेकिन अभी ये अवर्ट से पहले वाली स्टेज है, अभी फ्री T3 एंड फ्री T4 नॉर्मल है, दैट इज सब क्लिनिकल.
हम लोगों ने हाइपोथायरायडिज्म के बारे में एक बात की थी कि दिस इज मोस्टली ऑटोइम्यून, सो वी नेवर वर्कड अप फॉर द कॉज ऑफ हाइपोथायरायडिज्म. वी जस्ट स्टार्ट कि ये हाइपोथायरायडिज्म डॉक्यूमेंट हो गया तो हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. फॉर हाइपरथायरायडिज्म वी वर्क अप फॉर द कॉज ऑफ हाइपरथायरायडिज्म. जो हमने बातें की कि हाइपरथायरायडिज्म के काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है ट्रैप, जो कि हम लोग थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, जैसे मैंने कहा कि ग्रेव्स डिजीज के अंदर एक ब्लड में एक एंटीबॉडी होती है जो कि बॉडी में जनरेट हो रही होती है बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी, एंड दैट स्टिमुलेट द टीएसएस रिसेप्टर जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर पड़े होते हैं. उस एंटीबॉडी का नाम होता है टीएसएस रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी और ट्रैप. तो ये हम लोग हाइपरथायरायडिज्म के कॉज में इसको वर्कअप करते हैं. अनदर वर्कअप इज थायराइड स्कैन. अगर पेशेंट की सिम्टम्स हाइपरथायरायडिज्म की है, टीएसएस उसका सप्रेस्ड है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं थायराइड स्कैन, जिसके अंदर हमारे पास थायराइड स्कैन के अंदर अपटेक इंक्रीज आता है इन द पेशेंट ऑफ हाइपरथायरायडिज्म. लेकिन वो पेशेंट जिनमें थायराइडाइटिस हुआ होता है उनके अंदर अपटेक कम आता है. थायराइड अल्ट्रासाउंड यूजुअली नॉट रूटीनली रिक्वायर्ड इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरथायरायडिज्म. सो एक पेशेंट आपके पास हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स के साथ आया, जो भी हमने सारे डिस्कस की, हमने उसको सस्पेक्ट किया कि पेशेंट को हाइपरथायरायडिज्म लग रहा है, हमने उसका ब्लड टेस्ट थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए विच इंक्लूड टीएसएस, टी3 एंड टी4. जब रिपोर्ट्स आई हमारे पास, टीएसएस जो है वो सप्रेस था, उसके बाद हमने टी4 देखा वो रेज था, टी3 भी रेज था. हमने उसको फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये हो सकती है हम उसका ट्रैप करवा लें या हम उसका थायराइड स्कैन करवा लें. थायराइड स्कैन करवाया तो उसके ऊपर डिफ्यूज अपटेक था थ्रू आउट द ग्लैंड और इंक्रीज अपटेक था. और अगर हमने थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी करवाई तो वो पॉजिटिव थी. इट मींस द पेशेंट इज ऑफ हाइपरथायरायडिज्म एंड द कॉज इज ग्रेव्स डिजीज. तब हमने ट्रीट कैसे करना है? जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हमने पेशेंट को सिम्टोमैटिक रिलीफ देना है. जैसे मैंने बात की, पेशेंट आपका जो सीवियर हाइपरथायरायडिज्म का पेशेंट है, क्लिनिक में आपके सामने आपकी चेयर पर बैठे हिल रहा होता है, इतनी ज्यादा उसकी बॉडी शेकिंग हो रही होती है, ट्रेमर्स, आप उसका आउटस्ट्रेच हैंड करवा के देखते हैं उसके ट्रेमर्स आ रहे होते हैं. अगर ऑर्बिटोपैथी स्टेयरिंग लुक तो हर हाइपरथायरायडिज्म में आ रही है, लेकिन अगर ये ग्रेव्स डिजीज है और ऑर्बिटोपैथी उसकी शुरू हो चुकी हुई है तो उसके अंदर फिर हमारे पास ऑर्बिटोपैथी की भी सारी पिक्चर बन रही होती है, तो उसमें पेशेंट को एग्जोफ्थाल्मोस भी आ रहा होता है. तो हमने उसको सिम्टोमैटिक रिलीफ करना है. सिम्टोमैटिक रिलीफ के लिए हम लोग थायराइड ग्लैंड के पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जो पूरा उसका जो सिम्पैथोमाइमेटिक आउटपुट बड़ा होता है बीटा ब्लॉकर्स देने से वो चीजें कंट्रोल में आ जाती है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एंटी थायराइड ड्रग, जिसमें हमारे पास मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल आ जाते हैं. प्रोपाइल थायोयूरेसिल हम लोग रूटीन में यूज नहीं करते एक्सेप्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ओवर रूटीन मेडिकेशंस आर कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल. कार्बिमाजोल हमारे पास यहाँ पे मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल हम लोग रूटीन में यूज कर रहे होते हैं. तो न्योमार्काजोल के नाम से हमारे पास टैबलेट आ रही होती है, प्रोकार्बिजोल होता है उसमें, दैट्स अगेन एंटी थायराइड ड्रग, 5 mg की टैबलेट होती है. वी स्टार्टेड सम पेशेंट्स जो कि इस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते या उनको किसी ड्रग से रिएक्शन हो जाता है, तो हम लोग उनको रेडियो, या फिर ये कि डिजीज की ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो गई है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट करवा देते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन उनको यूजली ओरली दी जाती है और ग्लैंड को वो बर्न कर देती है. तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट. हम लोग ग्लैंड को एब्लेट कर देते हैं. थायराडेक्टमी इट इज नॉट यूज नाउ डाउन द लिस्ट. कोई अगर थायराइड ग्लैंड बहुत बड़े साइज का है, उसमें खुदा ना खास्ता मेलिग्नेंसी का सस्पिशन है, या फिर उसके अंदर हमारे पास कंप्रेशन सिम्टम्स आ रही है इतना बड़ा होने की वजह से कि वो डिस्फेशिया कर रहा है, नीचे ट्रीकिया को कंप्रेस कर रहा है, स्ट्राइडर आ रहा है, तब हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं, नहीं तो सर्जरी अब डाउन द लिस्ट है. एनसीड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये उस वक्त यूज करते हैं. थायराडाइटिस एक बीच में टॉपिक है, जो कि हमारे पास थायराडाइटिस का पेशेंट यूजली हमारे पास इट कैन प्रेजेंट विद हाइपर एंड हाइपोथायरायडिज्म बोथ. तो अगर एक पेशेंट जिसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड में पेन, फीवर और सडन हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स के साथ आता है, टीएसएस उसका हमारे पास सप्रेस्ड है, टी4 और टी3 ज्यादा है, और हम लोग थायराइड स्कैन करवाते हैं, हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स थी, हमने जब लैब्स करवाई उसमें भी हाइपरथायरायडिज्म है, और जब हमने उसका स्कैन करवाया तो उसके अंदर अपटेक जो है, जैसे मैंने कहा कि ग्रेव्स डिजीज और बाकी जो हाइपरथायरायडिज्म होते हैं उनके अंदर अपटेक ज्यादा होता है, थायराडाइटिस के पेशेंट के अंदर अपटेक लो होता है. अभी इस दफा हॉस्पिटल में एक थायराडाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन था,
तो उन पेशेंट्स के अंदर हम लोगों ने एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देने होते अगर रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैन के ऊपर अपटेक लो है, उनके अंदर एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देते। दैट इज द केस ऑफ थायराइडाइटिस, उसके अंदर हम लोग पेशेंट को पेन रिलीफ करते हैं थ्रू एनएसएड्स, और अगर नहीं रिस्पॉन्स आ रहा होता है एनएसएड्स को पेन रिलीफ का तो स्टीरॉइड्स दे देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सिम्टोमेटिक रिलीफ मेडिकेशन लाइक बीटा ब्लॉकर्स हम उन पेशेंट्स को देते हैं। बट एंटी थायराइड ड्रग्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। और वो ऑस्पिक स्टेशन में सारे स्टूडेंट, थायराइडाइटिस का वो स्टेशन था तो उसमें बेसिकली एंटी थायराइड ड्रग्स भी सारे ऐड कर रहे थे, जबकि अगर स्कैन हमने करवा लिया पेशेंट का थायराइड स्कैन एंड अपटेक और उसके अंदर अपटेक लो है और क्लिनिक बायोकेमिकली पेशेंट का थायराइड सप्रेस्ड है तो उसके अंदर हमने एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं दे। सो हमने अभी तक कवर किया अबाउट द हाइपोथायरायडिज्म एंड हाइपरथायरायडिज्म। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात हुई, सो वी लर्न अबाउट द सिम्टम ऑफ हाइपरथायरायडिज्म, थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट पे क्या आता है और हमने उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ओके, नाउ अभी तो हमारे पास लेक्चर का टाइम काफी सारा पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स के अंदर मुझे क्वेश्चंस शेयर करें जो आप पूछना चाह रहे हैं। का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप उसके अंदर राइट करें, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे आंसर उसके अंदर दीजिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन अभी मेरे पास आए हुए। ओके, व्हाट इज द डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ थायराइडाइटिस? थायराइडाइटिस यूजुअली वायरल इन ओरिजिन एंड डेफिनेट ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और ये इटसेल्फ अपना कोर्स लेके खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, बट सम टाइम ये हाइपोथायराइड में मूव कर जाता है। यूजली इसके अंदर हमारे पास इनिशियली हाइपरथायरायडिज्म वाली फेज आती है, पेशेंट हाइपरथायरायडिज्म के साथ प्रेजेंट करता है, फिर ये नॉर्मल हो जाता है और बाद में ये हाइपो में चला जाता है, और अगर पेशेंट हाइपो के बाद ये रिकवर हो जाता है, बट कुछ पेशेंट में ये परमानेंट हाइपोथायरायडिज्म रह जाता है। हमने वेट करना होता है, हाइपरथायरायडिज्म फेज के अंदर हम इसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ ट्रीट करते हैं, और अगर हाइपोथायरायडिज्म के अंदर चला जाए तो फिर हमें जो हमारा ट्रीटमेंट कट ऑफ है हम इसको वो देना होता है। सम टाइम ये रिकवर कर जाता है और कुछ पेशेंट्स में ये परमानेंट हाइपो रह जाता है, फिर उसी तरह से हाइपोथायरायडिज्म की मैंने कहा लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है वो इसकी चलती है। एक क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरायडिज्म कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग विद थायरोक्सिन? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज यस, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरायडिज्म इट कंटिन्यूड लाइफ लॉन्ग। Does thyroid hormone abnormalities also cause abnormalities in other pituitary hormones? देखें, मैंने अभी कहा कि जो हमारे पास सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म है ना, जिसमें TSH का प्रॉब्लम होता है, वो बहुत कम है। कॉमनेस्ट वन इज प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म, जब प्रॉब्लम है ग्लैंड के लेवल पे। तो ऐसे जब प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म होता है तो पिट्यूटरी के बाकी हॉर्मोन्स जो है ना उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हाइपोथायरायडिज्म TSH जो बड़ा होता है, sometimes it can lead to raised prolactin level, जो कि anterior pituitary gland का hormone है, लेकिन जब हम लोग hypothyroidism को treat करते हैं तो वो ठीक हो जाता है hyperprolactinemia भी। Okay, what is the role of beta blocker in hyperthyroidism? So the beta blocker is symptomatic treatment, मरीज सारा हिलता हुआ आता है, sympathetic overactivity हुई होती है, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, बॉडी शेकी हो रही होती है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तो हम लोग इन सारी जो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, जो कि ट्रेमर्स को, हार्ट रेट को, हाइपर मेटाबॉलिक फेस को कंट्रोल कर लेते हैं।
बट इफ द पेशेंट जिस वी कैन नॉट गिव. अच्छा, डायबिटीज के अंदर ना कोई बीटा ब्लॉकर्स की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. डायबिटीज के अंदर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स सिर्फ उस वक्त रादर एस एस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. बीटा ब्लॉकर्स डायबिटीज में उस वक्त मना करते हैं कभी कभार जब कोई पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है, अगर अदरवाइज वो एक था कि क्वेश्चन हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स बीटा ब्लॉकर्स मास्क कर देते हैं तब. हाँ, ये कि जब पेशेंट एस्मैटिक है और हमें ब्रोंकोस्पैज्म का डर है तब हम लोग हार्ट रेट कंट्रोल और बाकी चीजों के लिए समटाइम रेट लोअरिंग के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं. और क्या मैसेज आ रहे हैं? What is the preferred beta blocker in hyperthyroidism? दो तरह के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एक होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव और एक होते हैं नॉन कार्डियो सिलेक्टिव. जो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं वो सिर्फ हार्ट के लेवल पे एक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें हाइपरथायरॉइडिज्म में हमारी सारी बॉडी में हाइपर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो हमने जैसे ट्रैमर्स भी आ रहे हैं, हर चीज ज्यादा हुई है, परस्पिरेशन ज्यादा हो रही है, तो हम लोगों ने जो बीटा ब्लॉकर यूज करने वो नॉन कार्डियो सिलेक्टिव वाले करने हैं. तो प्रेनालोल इज द प्रेफर्ड वन. इंड्रोल के नाम से टैबलेट आती है, हम उसको यूज कर रहे होते हैं, बट कैन यू कैन यूज एनी अदर नॉन कार्डियो सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन, कैन अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म ऑफ हाई एल्टीट्यूड कैन रिकवर व्हेन ही और शी इज शिफ्टेड टू लो एल्टीट्यूड एरिया? आप ये कहना चाह रहे हो कि वो आयोडीन डिफिशियंसी वाला एरिया था और इस पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ. हाइपोथायरॉइडिज्म मैंने बताया कि 90% केसेस में इट इज हाशिमोटो थायरोडाइटिस, ऑटोइम्यून इज द कॉज. समटाइम इट इज आयोडीन डेफिशियंट पेशेंट. Chances of recovery is usually low. Any other question? अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखना चाहूंगी. मुझे आपने लिखना है किसी प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर दो बातें मैंने कही थी, एक होता है ओवर्ट हाइपोथायरॉइडिज्म, एक होता है सब क्लिनिकल. ओवर्ट हाइपोथायरॉइड मैं एक बताऊंगी कि एक पेशेंट है, उसका TSH 12 है और उसकी T4 लो है. सो इट इज ओवर्ट हाइपोथायरॉइडिज्म और इट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म. चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं माइक्स आपके ऑन कर दूंगी तो शायद हम फिर बात नहीं कर सकेंगे. Good, overt. This is an overt hypothyroidism. और अगर ये सब क्लिनिकल होता तो इसमें TSH बढ़ जाता लेकिन फ्री T4 नॉर्मल रेंज में रहती. सो अगेन, अ पेशेंट जो आपके पास हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है और उसकी हिस्ट्री ये है कि उसकी चाइल्ड डिलीवरी हुई थी, उसके बाद उसको काफी ब्लीडिंग हुई एंड देन आफ्टर ब्लीडिंग उसने कभी भी पीरियड्स रिज्यूम नहीं किए और अभी वो आपके पास आई है, उसकी टिपिकल हाइपोथायरॉइडिज्म वाली सिम्टम्स है, वो वर्कअप कभी भी नहीं हुई और अभी आपने जब उससे हिस्ट्री ली तो पता चला कि जी इस तरह से हिस्ट्री थी चाइल्ड डिलीवरी, उसके बाद उसकी पीरियड्स भी रिज्यूम नहीं हुए. शी इज अ यंग लेडी ऑफ 35 ईयर ओल्ड एंड नाउ दो कंप्लेन्स हो गई, एक तो हाइपोथायरॉइडिज्म वाली सारी सिम्टम्स आ गई और दूसरा उसको पीरियड्स नहीं हो रहे. नाउ आपने उसका जब थायराइड प्रोफाइल करवाया तो उसका फ्री T4 भी लो था और उसका TSH भी लो था. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? Good, Sheehan's syndrome. Wow, central hypothyroidism. Well done. Because Sheehan's syndrome, bleeding ke saath, pituitary gland usko disturb ho gaya. This is central hypothyroidism. Aur iske aur kaun kaun se pituitary hormone chale gaye? LHF and FSH. Wo dono hormones bhi iske chale gaye. Isliye ab usko periods nahi ho rahe. Theek hai? Postpartum hypothyroidism? No. No, this is not postpartum hypothyroidism. Main aapse wo keh rahi hu ki uski history mein uske bleeding hui thi na. Uske baad se ab uske periods bhi nahi aaye.
तो पीरियड्स अगर किसी को नहीं आ रहे होते ब्लीडिंग के बाद, थिंक ऑफ शी हैंड, उसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलएस और एफएसएस बनाना बंद कर दिए, ठीक है, क्योंकि एक पूरा शी हैंड का क्राइटेरिया बन रहा है, तो उसके एलएस एफएसएस भी डिस्टर्ब हो गए, उसका टीएसएस भी बंद हो गया ऊपर से आना, तो वी विल कंसिडर सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म इन दिस पेशेंट, ठीक है। और इन पेशेंट्स के अंदर अब हमारे पास लाइक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के और हार्मोन भी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हार्मोन अब खराब है इन पेशेंट्स के अंदर, हमारे पास एलएस एफएसएच और टीएसएच चला गया, तो बाकी तीन हार्मोन कौन से हैं जी पिट्यूटरी ग्लैंड के, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, हमने उनको भी चेक करना, और कौन से बाकी तीन हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के। मैडम जस्ट 2 मिनट लेफ्ट। ओके, जल्दी से पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन चैट बॉक्स में लिख दें। तीन मैंने बता दिए, एलएस एफएसएच टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन गुड, वो तो हमारे पास पेशेंट 35 साल का, इतना ग्रोथ हार्मोन का लेना देना नहीं है, और दो रह गए एसीटीएच, शाबाश, और प्रोलैक्टिन, वाओ गुड। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें प्रोलैक्टिन का भी हम लोगों को बहुत मसला नहीं है, ग्रोथ हार्मोन का भी मसला नहीं है, एसीटीएच हमने चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे वो मैं एड्रिनल का नेक्स्ट लेक्चर लूंगी, उसमें बताऊंगी। यूजली जस्ट एक आप नेक्स्ट टाइम मेडिसिन प्रॉब्लम मेरा मूड है पढ़ाने का आपको, तो आपने ना थोड़ा सा एड्रिनल पढ़ के आना। ACTH को चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लोग 8 AM कॉर्टिसोल चेक करते हैं कि एड्रिनल के रिजर्व कैसे है, सुबह 8 बजे वाला कॉर्टिसोल लेवल टू चेक द रिजर्व्स ऑफ ACTH एंड अदर थिंग्स। तो इस पेशेंट के अंदर जैसे पिट्यूटरी के कुछ हॉर्मोन्स खराब है, तो मैंने अब इस पेशेंट के अंदर 8 AM कॉर्टिसोल भी मैं चेक करना चाहूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट टाइम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, होप सो कि इनशाला इनशाला अल्लाह करे कि हमारी फेस टू फेस लर्निंग स्टार्ट हो जाए, कोविड खत्म हो जाए, सो वी विल मीट नेक्स्ट थर्सडे इनशाला। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।